जल्दी जल्दी नहा लो, अभी बंद होने वाला है। बहुत ज्यादा भंगार हो गया था, ये सब ठंडी के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े सब अलग अलग कर रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की व्लॉग। तो अभी मैं आ रही हूँ किचन से और मेरे हाथ में थोड़ा सा कट गया है, मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरा हाथ कट जा रहा है। कभी ये कट गया था इससे पहले, यहाँ पीछे, फिर यहाँ कट गया, अब यहाँ कट गया, ऐसा कभी होता नहीं था पर पता नहीं क्यों बार बार ऐसा होता जा रहा है। सो अभी हम लोग बैठे थे और मेरे रूम की अच्छे से साफ़ सफाई मैंने अभी सुबह में करी है फिर से, और अभी बाहर थोड़ा सा काम हो रहा है, बड़े बड़े बर्तन वगैरह सब धो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो गंदा दिख रहा है, और जिसका सामान है उसको रिटर्न भी करना है, तो इसके लिए वो सारे बर्तन धो रहे हैं बाहर। तो अभी चलते हैं बाहर और चल के दिखाते हैं। और ये देखो गाइस, यहाँ पे गेहूं धोया जा रहा है, बारिश का इंतजार हो रहा है लेकिन बारिश आ ही नहीं रही, बारिश के बहाने धो रहे हो इसीलिए कि जल्दी आना जाए, लेकिन उसका कोई वही नहीं है, आने का संकेत ही नहीं है। तो ये दोनों आए थे यहाँ पे गेहूं धुलाने के लिए और धुलाते धुलाते नहाने लग गए, मोटर चालू था तो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे लोग का मन कर रहा है नहाने का, बच्चों का क्या, सबका मन कर रहा है। चलो चलो जल्दी जल्दी नहा लो, अभी बंद होने वाला है। जाओ आगे आगे, अरे मामी हम आ रहा है। वाह, छांव हो गई, वाह, धूप से मिला छुटकारा। क्या मामी छोड़ मेरे पास भी आना, छोड़ दे अपा बॉडी पे तो लगा, अब पूरा नहाएंगे, जल्दी नहा। नहा नहा मामी मुड़ा पे, मुड़ा पे नहा। चलो जल्दी। और यहाँ पे गेहूं धो चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ठंडे पानी का मजा लिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे मतलब गर्मी में मोटर से पानी इतना ठंडा आता है और ठंडी में थोड़ा सा गर्म आएगा, मतलब अपोजिट होता है, सही है। और अभी इधर पे गेहूं धो चुके हैं, अभी फैला रहे हैं इसको, और हवा बहुत तेज चल रही है देखो, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और हम लोग सब बाहर थे, देखिए कि हमारे रूम का दरवाजा खुला है, तो यहाँ पे मैक्स आके आराम से बेड के पीछे जाके, और मैक्स आया है क्योंकि यहाँ चिड़िया लोग आ रहे, तो उन लोगों को देखने में बिजी है ये आजकल, ना होता ना तो पकड़ लेता जाए। हाँ ये है कि हम लोग उन लोगों को दिख नहीं रहे है ना। निशान ने एक नकली छिपकली लेके आया, मैक्स उसको भी पकड़ रहा है, जैसे रात में मेंढक भी पकड़ेगा छिपकली। जल्दी
क्या कर रहे हो? पकड़ ली मैक्स। और आज यहाँ पे हो रही है मेरे रूम की साफ सफाई, रूम की नहीं मेरे कबट की। बहुत ज्यादा भंगार हो गया था, ये सब ठंडी के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े सब अलग अलग कर रहे, तो आधे बेड में जाएंगे और आधे कबट में रखेंगे जो रहेंगे। और आज तुम जा रही हो मैं सुन रही हूँ। हाँ, बुरखा और का पहन के रेडी भी है। लेकिन अचानक से ऐसे किसी प्लान बन गया जाने का? क्यों जाऊंगी नहीं घर पे? आज जाओगी लेकिन फिर भी आज से बोल रही थी कि कल जाऊंगी। रुकना चाहिए था इनको, इनको दुबई से फोन आता जा रहा है आता जा रहा है, इसके लिए जाना पड़ रहा है ना। दुबई जा रही है। दुबई जा रही है। मैं अभी को अपने कुछ बैंगल्स रखने जा रही हूँ जो उधर पे रखे हुए हैं, तो मैं अभी ये मेरा बैंगल का मतलब ये पूरा बॉक्स है अभी निकालूंगी। तो मैंने अभी देखा कि मेरा शूज रखा हुआ है, वैसे इसको कहीं पहन के जाना हुआ नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैंने इसको साफ करके रखी थी, बहुत प्यारा लग रहा है, कहीं जाएंगे इसको पहन के। ये चाहिए तुझे जूता? चाहिए ये आला? हाँ निधा चाहिए कि नहीं? निधा मेरे कपड़े मांग रही, बोल रही है कपड़ा दे दो। और मेरी हुडी मांग रही है। क्या मांग रही है? सादा कपड़ा भी नहीं मांग रही कि जो बिना सिला हो, बोल रही हुडी देने के लिए। और ये है मेरे बैंगल्स के कलेक्शन, जो मेरे सारे मतलब एकदम मतलब जो खास खास ड्रेस है ये मुझे यहीं से मतलब शादी में मिला था, मेरे लिए आया था। और अभी मैं इसमें कुछ बैंगल्स और ऐड करके रखने जा रही हूँ, एक्चुअली जो खाली है रैक उसमें मैं रखूँगी। तो ये सब बहुत प्यारे बहुत प्यारे, बस जल्दी से ठंडी आ जाए फिर मैं ये सारे पहनूँगी बारी बारी से। शुरू शुरू में मुझे बहुत कंटाला आया था पहनने के लिए, बट अब मेरा मन करता है देख के पहनने का। तो जल्दी से बारिश आ जाए, मौसम ठंडा हो जाए, तब मैं इसको सब पहनूंगी। तो मैंने यहाँ पे और बैंगल्स मेरे ऐड कर लिए हैं जो कि बाहर रखा हुआ था, और यहाँ बन रही रील शील, फोटो वोटो खींचा जा रहा है इधर पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और दोपहर के बज रहे हैं 3, और यहाँ पे कोई सी मूवी आ रही है ये दिल, तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं। और थोड़ा सा सब लोग सैड हो गए। A few moments later. So, अभी मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:15, और अभी चल रहे हैं किचन में। और आज घर की बहुत ज्यादा साफ सफाई हो गई, घर की कबट की, मतलब मेरा रूम एकदम साफ साफ हो गया जब से सानिया आई है। मुझे एक पार्टनर मिल गया करने के लिए, तो मेरा रूम बहुत अच्छे से साफ हो गया है। पता है तुमको क्या हम लोग ने कितनी साफ सफाई की है कबट की? था तो ना। मतलब मैंने ये बेड भी उठाई थी, इसका गद्दा नीचे रखी, फिर उठाने तो उठ नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से की है, मुझे चोट लग गई है। मालूम है कल कट गया ना? कल ही हुआ है, कल ही तो कटा है ना तुम्हारा? क्या पता कल के परसों साफ सफाई कर रहे थे तुम, पता नहीं कल के परसों। और यहाँ चल रहा है मैच शाम, और मैं अभी पहले छत पे आई हूँ क्योंकि ये भी उठाना है, फिर इसको कल वापस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी यहाँ पे रोटी बन चुकी है। कहाँ है रोटी? रोटी बन गई है, और आज भाभी कुछ स्पेशल बना रही है यूट्यूब पे से देख के। आज कुछ स्पेशल बन रहा है घर पे दाल गोश्त में, मैंने अभी दाल भी डाल दी है, और अभी इसको अभी थोड़ा सा और पानी लगा के रखना पड़ेगा। मेरा गोश्त बहुत अच्छे से भून गया था, तब मैंने अपनी दाल मतलब इसके अंदर, और उसके अंदर वो भी पड़ी लौकी भी। तो अभी आगे मैं फटाफट करती, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। A few moments later. तो इधर भी मेरा दाल गोश्त रेडी हो गया है, और मैंने इसको ज़्यादा मतलब थिक नहीं रखा क्योंकि अभी ये खुद ही थोड़ी देर में भी एकदम थिक हो जाएगा। सो अभी मैं इसको जा रही हूँ आनियन से बघारने के लिए। इधर पे अभी हम लोगों का खाना आ गया है, और अभी बना है दाल गोश्त, तो वही खा रहे हैं। तुमने मेरे से पहले ही स्टार्ट कर दिए। मैंने स्टार्ट कर दिया। कब? जब तुम शूट करने जाओ तो अच्छा लगेगा, खाऊंगा। खा लो खा लो। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी, आज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया। तो अभी हम लोग ने खाना वाना सब खा लिए है, और अभी मैं कर रही हूँ वीडियो एडिट। अब मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी सी लग रही है, और यहाँ पे मुझे एक बड़ा सा पिंपल भी आ गया है, बहुत दर्द कर रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर, बाय। मैंने सब
मतलब अच्छे से रख ली हूँ। ये मेरे सारे स्कार्फ के कलेक्शन रखे हुए इधर पे, बाकी सभी मेरे